मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रुद्राभिषेक करने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान कराया जाएगा। रविवार को मकर संक्रांति पर गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक मंगल की कामना की थी। सोमवार को भी उनकी दिनचर्या प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना से शुरू हुई। इस निमित्त उन्होंने गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से जन कल्याण की प्रार्थना की। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सम्पन्न हुआ। रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद गए और बड़े इत्मीनान से एक एक कर सबकी बात सुनी। सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, हर समस्या का जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण समाधान होगा। कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने कहा कि एस्टीमेट उपलब्ध होते ही भरपूर मदद की जाएगी, पैसे के अभाव में किसी का इलाज बाधित नहीं होने दिया जाएगा। जमीन कब्जाने की कुछ शिकायतों पर उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है, जमीन कब्जा करने या दबंगई करने वालों को करारा कानूनी सबक सिखाया जाएगा। सीएम से मिले आश्वासन के बाद सभी लोग संतुष्ट नजर आए। एक ही मामला है सर ना, उसको पकड़ लो। अरे ये लखनऊ से सर, बताएं अपनी बात, क्या बात सर? और सर वाले ने धरना पर बैठा है, मुस्लिम के साथ आगे का धरना पर कुछ मिला नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना, कोई ध्यान मिला ना कोई कंपनी का, क्या हो गया आप साथ में, क्या बात है? हाँ क्या हो गया है? मकान खाली बैठा है, देवरे से दिला देंगे मैं इनको मकान भी, पता है क्या बात? क्या हो गया है? एस्टीमेट वगैरह बना गया बास गाँव का?